हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आज शिक्षक दिवस के रूप में श्रीमान आदरणीय सुंदरलाल जी भंवर का सम्मान करने के लिए। हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी भंवर निस्वार्थ रूप से हमें यहाँ प्रशिक्षण देते हैं ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके, हम अपने अपने अलग अलग विभागों में मध्य प्रदेश पुलिस हो गया इंडियन आर्मी में जा सके। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए ताकि हम अपना सपना साकार कर सके, अपने सपनों में उड़ान भर सके, अपने आपको गौरवान्वित और अपने घर वालों को गौरवान्वित महसूस कर सके। परंतु हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी सर निस्वार्थ भाव से अपना कीमती समय निकालकर अपनी ड्यूटी को भी निभाते हुए और एक ड्यूटी अपनी आपको ये समझते हुए कि इन बच्चों का भविष्य हमको संवारना है, इसलिए निस्वार्थ भाव से यहाँ उपस्थित हुए हैं। रतलाम में काफ़ी समय से निःशुल्क फिटनेस क्लब संचालित कर रहे हैं, इसके पूर्व नीमच में संचालित कर रहे हैं। देश के लिए, युवा साथियों के लिए, हमारे लिए एक अच्छा अवसर हमारे लिए बना के दे रहे हैं, हमको प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा इसमें स्वार्थ निहित हो सकता है परंतु हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी भंवर सर का इसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं है। हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी भंवर निस्वार्थ रूप से आपके लिए यहाँ दिलो जान से अपने शारीरिक मानसिक सभी प्रकार रूप से हर चीज़ को झेलते हुए, हर दुविधा पीड़ा को पार करते हुए, अपना कर्म निभाते हुए यहाँ उपस्थित हुए ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। ऐसे शिक्षक, ऐसे मार्गदर्शक को मैं शिक्षक दिवस में प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। ऐसे शिक्षक बार बार इस धरा पर जन्म लेते रहे और हमारे जैसे लोगों का उद्धार करते रहे। मैं वापिस से सर को सादर नमन करता हूँ। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। सभी को हृदय से धन्यवाद। मैं राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भंवर, आज आपने इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे सम्मानित किया है, मेरे कंधों को और मजबूत किया है, मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। तो मैं इसी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आने वाले जीवन में मेरे शरीर का कण कण इस राष्ट्र को देने को तैयार हूँ। मेरे जीवन का जो समय है, मेरा जीवन है, उसका पल पल मैं इस राष्ट्र को देने को तैयार हूँ और आजीवन ऐसे राष्ट्र के बच्चों को तैयार करूँगा। और लगभग जो जहाँ से मैंने अपनी जिज्ञासा पकड़ी है, समझ पकड़ी है, वहाँ से मैं यही काम कर रहा हूँ और आजीवन यही काम करता रहूँगा। राष्ट्र के लिए बच्चे तैयार करता रहूँगा। स्वयं को राष्ट्रपुत्र इसलिए लिखता हूँ कि मैं राष्ट्र का बेटा हूँ और ओनली राष्ट्र के लिए काम करूँगा। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ और यदि कहीं राष्ट्रपुत्र लिखा हो और मेरे कदम आगे बढ़ते हैं कि यार मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो वो कोई गलत तो नहीं हो रहा है, मेरे नाम के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर कोई कलंकित नहीं हो जाए। इसलिए राष्ट्रपुत्र एक पदवी माननीय सुरेंद्र सिंह सोंद्रा करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव है, उनने मुझे पद प्रदत्त की थी। और मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से जो करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र सिंह सोंद्रा हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैं राष्ट्रपुत्र अपना यह मार्गदर्शन में आशीर्वाद से राष्ट्रपुत्र उपाधि ग्रहण की है मैंने। और उस राष्ट्रपुत्र उपाधि से मेरे को इतना जो आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को कदम फूक फूक के रखता हूँ कि यार मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे काम से राष्ट्र गौरवान्वित हो, राष्ट्र विकास की ओर जाए, राष्ट्र विश्व गुरु की ओर जाए। तो माननीय स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए जो मेरे मुझे राष्ट्रपुत्र की उपाधि दी है माननीय ने, मैं उनको भी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रणाम करता हूँ। और आजीवन मेरे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे हैं और आशीर्वाद भी मेरे गुरु मुझे ऐसा दे कि मेरा शरीर मजबूत रहे, स्वस्थ रहें और इस मजबूत और स्वस्थ शरीर से मैं राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ योगदान देता रहूं। उस मजबूत शरीर और स्वस्थ शरीर से मेरे स्वार्थ में कोई कमी, मेरे स्वार्थ के प्रति कोई ऐसा मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मन में कोई ऐसा आशा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वार्थ उससे हासिल करूं। बस उस आशीर्वाद से मैं ओनली देश के युवाओं को तैयार करता रहूं। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं जिनने मेरा सम्मान किया, मैं एक बार फिर हृदय से इनके लिए मेरा तन मन धन बिल्कुल लगाने के तैयार हूँ। मेरे लिए यहाँ सभी शिष्य एक राष्ट्रपुत्र के समान हैं और सबको मैं एक पथ पर लेकर चलना चाहता हूँ और सबको राष्ट्र सेवा के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं हृदय से सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।